नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का अभिभाषा की पूरी टीम की तरफ से। मैं हूं अभिनव तोशांशु पांडे और हम कर रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज। ये पीवाईक्यू सीरीज क्या होता है सर? कक्षा भौतिकी, कक्षा बारहवीं की भौतिकी के लिए छत्तीसगढ़ बोर्ड का छत्तीसगढ़ बोर्ड का जो आपका एग्जाम है ना, उसके लिए हमारा मिशन 2023 चल रहा है भैया। कहाँ पर? यूट्यूब में भी और हमारे एप्लीकेशन में भी। तो आपको क्या करना है, अगर तैयारी कर रहे हो तो दसवीं बोर्ड हो या बारहवीं बोर्ड हो, आप बिल्कुल एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, वहाँ पे सब मिलेगा। उसके अलावा यूट्यूब में कर रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो ताकि रेगुलर अपडेट मिलेंगी। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है, चलिए देखते हैं। हम लोगों ने पीवाईक्यू में बायो सेवर्ट्स का नियम और ये वाली स्थिति देखी थी, आपके पास में वीडियो है, आप देख चुके होंगे, नहीं तो लिंक में मिल जाएगा। फिर हम लोगों ने एम्पियर के परिपथ का नियम और साइक्लोट्रॉन की बात की थी, ये भी हो गया। अब जो है चलो हम लोग आगे देखते हैं कि एक साइक्लोट्रॉन है और उसमें जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 मेगाहर्ट्ज़ है भैया। चलो ठीक है, अब इसको प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो भाई फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे हम लोग? फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला था वो था, फ्रीक्वेंसी के लिए जो हमारा फॉर्मूला था वो था क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई एम। अब यहाँ पर जो है हमको क्या निकालना है, हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। बाकी सारी जानकारियाँ हैं, कैसे हैं साइक्लोट्रॉन दोलित्र की आवृत्ति कितनी है, 10 मेगाहर्ट्ज़, तो एफ बराबर 10 मेगाहर्ट्ज़। अच्छा मेगाहर्ट्ज़ में जो है हमको पता नहीं है मेगा, तो मेगा होता है 10 की पावर 6 और यहाँ पर हो जाएगा 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज़। और ये जो है ठीक है। अब अगली बात है प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के पास में जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के बराबर, मतलब 1.6 × 10⁻¹⁹ होगा, ठीक है। और इसके बाद में जो है मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे बता दिया है कितना है भैया, 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम है। अब इसके बाद में जो है सूत्र में लिखना है, बी निकालना है, तो बाकी उधर डालो, तो बी का मान हो जाएगा बी बराबर 2 पाई एफ एम और डिवाइडेड बाय क्यू। चलिए मान डालते हैं, 2 × π की वैल्यू होती है 3.14 × 10⁶ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी है, गुणा मास कितना है 1.67 × 10⁷⁷ और बटे में क्या है, बटे में है क्यू, मतलब 1.6 × 10⁹⁹। अब देखिए ये जो है हम लोग क्या क्या काट सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पे 1.6 है और यहाँ पे 1.67 है, मतलब अगर मैं इन दोनों को काट दूँ, इन दोनों को काट दूँ तो हमको यहाँ पे 1 से थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी मिलेगी। अच्छा 2.2 × 3.14 है तो ये होता है 6.28 है ना, इससे थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी मिलेगी। और यहाँ देखिए 10⁶⁷ धन, ये 19 ऊपर जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा, तो -19, तो यहाँ पर हो गया 6.28 × 10⁻²⁪ और यहाँ पर हो जाएगा 0.0628 इसके आसपास। अच्छा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है बी, इसलिए यहाँ पर टेस्ला मिलेगा। और अगर आप सही ढंग से देखेंगे तो हमको जो है वास्तविक उत्तर मिलता है 0.065 टेस्ला। तो अगर आप अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके भी गणना करते हैं और अगर आप लोगों ने सूत्र सही लिखा है तो आपको सही उत्तर मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।